को आकर्षित करता ही है। फिर बात चाहे उसके बूब्स की हो या घुमावदार उसके कर्वी हिप्स की, उसकी नशीली आंखों की या फिर उसके खुले बाल, लेकिन अगर बात सिर्फ और सिर्फ उसके चेहरे की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा जो पुरुष होता है वो अट्रैक्ट होता है उसके लिप्स से, उसके होठों से, जिन्हें देखकर किसी पुरुष की कामिच्छा जागृत होती है। और ऐसा नहीं है कि औरतों को इस बारे में पता नहीं है, ये चीज औरत भली भांति जानती है कि किसी पुरुष की एक कमजोरी है, इसलिए वो भी रेड पिंक या इससे मिलते जुलते रंगों का ही चयन करती है जब वो अपनी लिपस्टिक खरीदती है या लगाती है, और ज्यादातर इसी तरह के कलर्स को ज्यादा लगाना पसंद करती है। क्योंकि जब कोई पुरुष किसी औरत के चेहरे को देखता है तो सबसे पहले उसकी जो नजर है वो उसके होठों पर ही जाकर रुक जाती है, और अगर जो लिप्स है वो उसके मनचाही शेप के हो, फ्लफी हो, भरे भरे हो, और उसके ऊपर मान लो उस औरत ने लाल कलर की लिपस्टिक लगा रखी है, फिर तो बस वो खो ही जाता है, अपनी नजरें हटाना उसके चेहरे पर से उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और देखो इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है, क्योंकि ये जो रेड कलर होता है ये ना केवल लव, पैशन और डोमिनेंस का प्रतीक है, बल्कि ये बॉडी और माइंड में कनेक्शन को डेवलप करता है, ये बॉडी को स्टिमुलेट करता है, एक आदमी के अंदर सेक्सुअल डिजायर पैदा करता है। इसलिए ये भी एक रीजन है कि जब किसी फीमेल को रेड कलर की लिपस्टिक लगाए कोई मेल देखता है तो वो अंदर ही अंदर उत्तेजित हो जाता है, बेचैन हो जाता है, खुद को रोक नहीं पाता उसे देखने से। महिलाओं के होठ प्राचीन काल से ही पुरुषों के लिए प्रशंसा की चीज रही है। कितने ही महाकवि ऐसे हुए जिन्होंने एक औरत के होठों की तुलना गुलाब की पंखड़ियों से की, तो कुछ कवियों ने इन्हें जाम का ग्लास बोला। सेम इसी तरह से कुछ कलाकार ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने तरीके से एक औरत के होठों की खूबसूरती, उसकी कामुकता को कैनवस पे उतारने का प्रयास किया। महिलाओं के होठों पर इस तरह के ध्यान को लिपस्टिक की उपस्थिति के द्वारा ही व्यक्त किया गया था। देखो लिपस्टिक का जो प्रयोग है ये 19वीं सदी से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका जो यूज है वो सिर्फ उस दशक की अभिनेत्री ही किया करती थी, ये ज्यादा चलन में नहीं था। लेकिन 1950 के दौरान कुछ ऐसी अभिनेत्री थीं जिन्होंने इस रेड लिपस्टिक के चलन को बढ़ाया, जैसे मर्लिन मुनरो और एलिजाबेथ टेलर। इन दोनों ही अभिनेत्रियों ने इस रेड लिपस्टिक को पॉपुलर बनाने का काम किया। इन एक्ट्रेस ने ना केवल मूवी में रेड कलर की लिपस्टिक को लगाना शुरू किया बल्कि आम ओकेजन में भी रेड कलर की लिपस्टिक को यूज किया करती थी। धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई और ये चलन में आ गई और लोगों ने रेड कलर की लिपस्टिक को लगाना शुरू कर दिया। एक औरत के लाल होठों को देखकर एक आदमी जो है उसके अंदर काम इच्छा जागृत हो जाती है और वो उन्हें चूमने के लिए ललायत हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जो फीमेल होती है वो भी अपने लिबिडो सेटिस्फेक्शन को फील कर रही होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई औरत सिर्फ पेनिट्रेशन के बाद ही या इंटरकोर्स के बाद ही काम सुख को अनुभव करना चाहे, जैसा कि आमतौर पे एक आदमी सोचता है। एक औरत के काम सुख के अनुभव बहुत ही अलग अलग होते हैं और बहुत ही गहरे लेवल पर होते हैं। कई बार तो वो इसी चीज से अपने काम सुख का अनुभव कर लेती है कि वो जो आदमी है वो उसके फोटो को देख रहा है, उसकी तरफ आकर्षित है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि वो उस आदमी से फिजिकल होना चाहती है। एक पुरुष का एक औरत के होठों की तरफ ये जो आकर्षण होता है, इसका एक रीजन ये भी होता है कि एक औरत के होठ और उसकी जो योनि होती है, उसकी वजेना, उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों में देखो समानता पाई जाती है। क्योंकि एक औरत के जो होठ होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लिप्स होते हैं और जो उसकी योनि होती है, जो उसकी वजाइना होती है, वो वर्टिकल लिप्स होते हैं। तो जो आदमी जो है जो पर्टिकुलर एक औरत की तरफ अट्रैक्शन फील करता है वो उसके होठों की तुलना उसकी वजाइना से ही करता है, खासकर तब जब वो अकेला हो, शांत माहौल में बैठा हो और उस औरत की यादों में खोया हुआ हो, तो उसके जो लिप्स होते हैं वो उसे अट्रैक्ट करते हैं, उसको मदहोश करते हैं, उसे उसके अंदर वजाइना ही नजर आती है। ये भी एक रीजन होता है उसके अट्रैक्शन का। अब चलो औरतों की ही बात कर लेते हैं कि जो औरत है उनको भी बहुत ज्यादा क्रेज होता है इस रेड कलर के लिपस्टिक का, वो भी बहुत ज्यादा आकर्षित रहती है इस रेड कलर के प्रति। और इसके पीछे बहुत से रीजन है, क्योंकि अगर उन्हें भीड़ में अलग दिखना है तो वो रेड कलर की लिपस्टिक लगाएगी। अब मान लो उसने कोई ड्रेस चूज करी और वो उसे पहन के खड़ी तो हो गई है, लेकिन उसकी मैचिंग का उसको शेड नहीं मिल रहा, निकालो रेड कलर की लिपस्टिक। कई बार कोई फीमेल किसी मेल को सेड्यूस करने के लिए भी इस रेड कलर की लिपस्टिक का यूज करती है ताकि वो उस आदमी का अट्रैक्शन खींच सके। एक फीमेल को रेड कलर की लिपस्टिक लगाना इसलिए भी बहुत ज्यादा पसंद होता है क्योंकि वो उसके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करता है।
अब मान लो कोई औरत है, काफी टाइम से सलून नहीं गई है, चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, डलनेस छाई हुई है, अब अगली को कहीं जाना है, अपनी इस डलनेस को छुपाए कैसे? लगाओ रेड कलर की लिपस्टिक, एकदम से उसका चेहरा चमक जाएगा और सामने वाले को लगेगा ही नहीं कि उसका चेहरा डल है। तो ये जो रेड लिपस्टिक है एक औरत के लिए मैजिक की तरह काम करती है, उसका मूड भी एनहेंस करती है। तो कहने का मतलब साफ है कि ना केवल पुरुषों का अट्रैक्शन इस लाल रंग के होठों की तरफ होता है, बल्कि एक जो औरत है वो भी अपने होठों को लाल रंग से सजाना पसंद करती है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।